महाराष्ट्र में प्रकृति की मार सभी फसलों पर पड़ी है। सब्जियों की खेती को भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में मिर्च उत्पादन का मुख्य केंद्र माने जाने वाले नंदुरबार जिले में इसका रकबा भी पिछले 5 साल से घटते उत्पादन के कारण सिकुड़ सा गया है। इस समय स्थानीय मंडियों में 3000 क्विंटल मिर्च की आवक है। इस समय लाल मिर्च की कीमत 2000 रुपए से 2500 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। नंदुरबार जिले में मिर्च का उत्पादन घट रहा है, इसलिए भाव बढ़ रहा है। बाजार में मौसमी मिर्च की आवक शुरू हो गई है। हालांकि इस साल राजस्व हर साल की तुलना में कम रहने की उम्मीद है। इस बार अधिक नुकसान होने के कारण किसान मिर्च की खेती करने से कतरा रहे हैं, इसलिए राज्य के किसान अब मिर्च की जगह गन्ना, केला और पपीता जैसी नकदी फसलों की खेती पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। नंदुरबार बाजार को मिर्च के डिपो के रूप में माना जाता है। यहाँ की मिर्च विदेशों में भी प्रसिद्ध है। जिले में विभिन्न प्रकार की मिर्च उगाई जाती है। जिले में हर साल 10,000 एकड़ से अधिक पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मिर्च खेती के क्षेत्र में गिरावट आई है। गुजरात सीमा से भी किसान जिले में मिर्च बेचने के लिए लाते हैं। स्थानीय मिर्च उत्पादन के कारण निजी मिर्च प्रसंस्करण उद्योग भी बड़े पैमाने पर शुरू हो गए हैं। प्राकृतिक असंतुलन, अधिक वर्षा और उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण मिर्च का उत्पादन किसानों के लिए पहले जैसा फायदे का सौदा नहीं है। इससे पिछले 5 साल में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। यही असर मिर्च की खेती पर भी हो रहा है। जो किसान 10 से 50 एकड़ में ही काली मिर्च की खेती करते थे, वे अब घटकर 1 से 20 एकड़ में रह गए हैं। किसान अब मिर्च की जगह गन्ना, केला और पपीता जैसी नकदी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में कृषि के जानकारों का कहना है कि इस समय बाजारों में VNR, जरेला, फपड़ा और अन्य प्रकार की मिर्च का आना शुरू हो गया है। तो वहीं मंडी समिति में करीब 2,500 से 3,000 क्विंटल मिर्च बिक्री के लिए आ रही है। मिर्च का भाव 2,000 से 2,500 रुपए क्विंटल के बीच है। किसानों का कहना है कि जब तक इसकी उत्पादन लागत कम नहीं होगी, तब इसकी खेती फायदे का सौदा नहीं होगी। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।